टीम इंडिया की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने बांग्लादेश ने 5.1 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 16 रन बना लिए हैं। क्रीज पर साकिब अल हसन 0 और मुशफिकुर रहीम 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। इससे पहले बांग्लादेश के ओपनर बल्लेबाज ईटन दास 7 रन बनाकर भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर फुल शॉट खेलने के चक्कर में अपना कैच केदार जाधव को दे बैठे। इस मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया है। चोटिल हार्दिक पांड्या की जगह रविंद्र जडेजा को शामिल किया है। वहीं बांग्लादेश के कप्तान मशरफ मुर्तजा ने अपनी टीम में 2 बदलाव किया करते हुए मुशफिकुर रहीम और मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल किया है। मोमिनुल हक और अबू हैदर रोनी को बाहर बैठना पड़ा है। एशिया कप में अपने पिछले दोनों मुकाबले जीतने वाली टीम इंडिया के इरादे बेहद बुलंद होंगे, तो वहीं अफगानिस्तान के हाथों करारी हार मिलने के बाद बांग्लादेश के सामने वापसी करने की चुनौती होगी। टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में पहले हांगकांग और उसके बाद पाकिस्तान को चटाई थी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से वरुण की रिपोर्ट।